दोस्तों, क्या भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और उनके राइटर अखिलेश कश्यप के बीच लड़ाई हो गई है? क्या कोई ऐसा विवाद चल रहा है जो आपको और हमें नहीं पता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। मेरा नाम है कुश दुबे। जैसा कि आप लोग कुछ दिनों से देख रहे होंगे, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो ऐसी खबर बना रहे हैं कि अखिलेश कश्यप और खेसारी लाल यादव का साथ छूट चुका है। अब अखिलेश कश्यप खेसारी लाल यादव की टीम में नहीं है और भविष्य में अखिलेश कश्यप और खेसारी लाल यादव का गाना हमें एक साथ में नहीं मिलेगा देखने और सुनने को। ऐसी न्यूज सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो ऐसी न्यूज बना रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अखिलेश कश्यप और खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री की एक हिट जोड़ी है। कहा जाए तो बहुत ही कम समय में अखिलेश कश्यप ने ऐसे ऐसे गाने खेसारी लाल यादव के लिए लिखे हैं जो कुछ गाने विवादित भी हुए हैं, कंट्रोवर्सी भी हुई है उन गानों पे, और कुछ गाने बहुत ही टॉप के हिट भी हुए हैं। खास तौर में आदि शक्ति से जितने गाने खेसारी लाल यादव के पहले रिलीज होते थे, ज़्यादातर अखिलेश कश्यप ही लिखते थे। उन गानों का मैनेजमेंट अखिलेश कश्यप ही देखते थे। लेकिन अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब से अखिलेश कश्यप ने अपनी म्यूजिक कंपनी स्टार्ट की है, तब से अखिलेश कश्यप और खेसारी लाल यादव के बीच में कुछ विवाद चल रहा है। लेकिन अगर फैक्ट की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी तक एक बार भी खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से या लाइव आके ऐसा कुछ नहीं कहा है कि अखिलेश कश्यप से उनकी लड़ाई हो गई है, या अखिलेश कश्यप उनकी टीम में नहीं है, या अब अखिलेश कश्यप का लिखा हुआ गाना मैं नहीं गाऊंगा। वहीं अखिलेश कश्यप भी कोई भी इंटरव्यू करते हैं, कभी भी लाइव आते हैं, तो खेसारी लाल यादव की बड़ाई ही करते हैं और वो कभी नहीं कहते कि खेसारी लाल यादव का हमने साथ छोड़ दिया है और अब मैं खेसारी लाल यादव के लिए गाना नहीं लिखूंगा। यही नहीं, जितने भी गाने खेसारी लाल यादव के अभी इन दिनों रिलीज हो रहे हैं, सबका अखिलेश कश्यप आके प्रमोशन करते हैं। बाकायदा वो अपने चैनल पे आके कम्युनिटी मारते हैं। आप देखिए इधर, अगर लड़ाई हुई होती तो आखिर अखिलेश कश्यप खेसारी लाल यादव के गाने का प्रमोशन क्यों करते? अगर लड़ाई हुई होती तो खेसारी लाल यादव के लिए वो सपोर्ट क्यों करते? लेकिन आप देख सकते हैं कि सभी गानों का कम्युनिटी मार रहे हैं, लाइव आके खेसारी लाल यादव के गाने के लिए अपील कर रहे हैं, जो गाने उन्होंने नहीं लिखे हैं उन गाने को भी प्रमोट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी खेसारी लाल यादव की मूवी रिलीज हुई थी, कुछ लोगों ने दुग्ध दूध चढ़ाया था उनके पोस्टर पे, उसकी भी वीडियो अपने चैनल से उन्होंने लाइव की है। अगर लड़ाई होती या अखिलेश कश्यप खेसारी लाल का बुरा चाहते तो आखिर ऐसा क्यों करते? तो इस वजह से यह सब देखते हुए ये लगता है कि बिल्कुल भी यह खबर सच नहीं है और खेसारी लाल यादव अखिलेश कश्यप के बीच में सब कुछ ठीक है। एक बात और है, बहुत सारे इंसान हैं चाहते हैं कि एक गीतकार गीतकार ही बना रह जाए, वो कंपनी का मालिक ना बने। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक सिंगर सिर्फ गाता रह जाए जिंदगी भर, वो हीरो ना बने। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो एल्बम में काम करती है मॉडल खाली एल्बम में काम करे, फिल्मों में ना जाए। जैसे ही वह आदमी बढ़ने लगता है तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अखिलेश कश्यप निसंदेह आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, कंपनी उनकी खुली है, बहुत अच्छा काम कर रही है, अन्नपूर्णा फिल्म्स बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है, अरविंद अकेला कल्लू के दो दो सॉन्ग आए हैं, बहुत अच्छे वायरल हो रहे हैं। तो हो सकता है अखिलेश कश्यप से जिसकी लड़ाई हो वो जानबूझ के ऐसी खबर वायरल करवा रहा हो ताकि खेसारी लाल यादव और अखिलेश कश्यप का साथ छूट जाए। क्योंकि जब से अखिलेश कश्यप ने खेसारी लाल यादव के साथ में काम करना स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं अखिलेश कश्यप के प्रगति में हाथ खेसारी लाल यादव का भी है और इसे वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, बार बार इंटरव्यू के दौरान लाइव के दौरान कहते हैं। तो इस खबर में बिल्कुल भी सच नहीं है कि खेसारी लाल यादव और अखिलेश कश्यप के बीच में लड़ाई है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।